जय श्री राधे मित्रों, जय माता दी मित्रों। चंद्रवर्णी भक्तराज चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवर्णी भक्तराज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप देख सकते हैं माँ भगवती से करवद्ध प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके जीवन के समस्त विघ्न बाधाओं का माता रानी हरण करें और आपका जीवन आनंदमय हो। तो चंद्रवर्णी भक्तराज चैनल के माध्यम से आज का जो हमारा कार्यक्रम होगा वह होगा 2 सितंबर 2023 यानी कि शनिवार का दिन कैसा रहेगा मेष राशि से लेके मीन राशि के जातकों के लिए, और बात करेंगे दैनिक पंचांग की। तो दैनिक राशिफल और दैनिक पंचांग की बात करेंगे तो आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो को इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो समय समय अनुसार आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो अब ज्यादा देर न करते हुए बात करते हैं 2 सितंबर 2023 का दैनिक राशिफल और दैनिक पंचांग। तो सर्वप्रथम बात करेंगे दैनिक पंचांग की। तो 2 सितंबर 2023 यानी कि शनिवार का दिन होगा, विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945 और भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष और तृतीय तिथि होगी, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र वाणिज्य कर्ण और सूल नाम का योग होगा, प्रातकालीन सूल नाम योग, मध्यकालीन जो है गंड नाम का योग होगा। सूर्य उदय प्रातकालीन 6 बजे होंगे, सूर्य भगवान जो है उदय होंगे प्रातकालीन 6 बजे, सूर्य अस्त सायकालीन 6:40 पे। चंद्रमा जो है मीन राशि पे संचार करेंगे और बात करते हैं राहु काल यानी कि अशुभ मुहूर्त की। तो 2 सितंबर 2023 को अशुभ मुहूर्त राहु काल होगा 9:10 प्रातः काल से लेकर के 10:45 तक। तो इस राहु काल में कोई भी शुभ कार्य, कोई भी नया कार्य जो है हमें नहीं करना है, जिस कार्य से अधिक समय तक लाभान्वित होना है उस कार्य को राहु काल में नहीं करना है। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त यानी कि अभिजीत मुहूर्त की। तो शुभ मुहूर्त जो है 2 सितंबर 2023 को अभिजीत मुहूर्त जो है 11:56 से लेकर के 12:46 दोपहर तक रहेगा। तो इस अभिजीत मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य, कोई भी नया कार्य या जिस कार्य से आपको अधिक समय तक लाभान्वित होना है उस कार्य को आप जो है अभिजीत मुहूर्त में प्रारंभ कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेष राशि से लेके मीन राशि के जातकों के लिए दैनिक राशिफल क्या कहता है, 2 सितंबर को आपके सितारे क्या कहते हैं। तो सर्वप्रथम बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि के जातकों के लिए 2 सितंबर 2023 यानी कि शनिवार का दिन कैसा रहेगा। तो मेष राशि के जितने भी जातक हैं मन आपका प्रसन्न रहेगा, माता के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिख रहा है, कारोबार में भी वृद्धि होगी, परिश्रम आज आपको अधिक करना पड़ेगा परंतु रहन सहन थोड़ा सा अव्यवस्थित रहेगा। शिक्षा के कार्यों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी, संयमित रहना होगा, क्रोध से भी आपको थोड़ा सा बचना है, बातचीत में थोड़ा सा संतुलन बनाए के रखें, किसी मित्र के संयोग से कारोबार में नए अवसर आपको मिल सकते हैं, आय में भी वृद्धि होगी, माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिख रहा है, दिनचर्या आपकी अव्यवस्थित हो सकती है। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 2 सितंबर 2023 शनिवार का दिन। तो जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे परंतु थोड़ा सा मन आपका चिंतित होता हुआ दिख रहा है, पारिवारिक समस्याएं कुछ परेशान आपको कर सकती हैं, स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है, खर्चों में वृद्धि होगी, मन में जो है नकारात्मकता का प्रभाव रहेगा, कुछ पुराने मित्रों से आपकी भेंट मुलाकात हो सकती है, आज जो है सुस्वादु खान पान की तरफ आपकी रुचि होगी, नौकरी के लिए साक्षात्कार अधिकारियों में आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है और व्यर्थ की चिंताओं से जो है स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो आज जो है हो सकता है, तो इसलिए व्यर्थ की चिंताएं आपको नहीं करनी है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए 2 सितंबर 2023 यानी कि शनिवार का दिन कैसा रहेगा। तो जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं व्यर्थ के क्रोध एवं वाद विवाद की स्थिति आज आपके लिए बन सकती है, किसी मित्र के संयोग से आपकी आय में वृद्धि के साधन बन रहे हैं, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, मानसिक शांति मिलेगी परंतु जो है खर्चों की अधिकता से थोड़ा सा चिंतित जरूर रहेंगे, मानसिक कठिनाइयां जो है कुछ परेशान आज आपको कर सकती हैं परंतु धीरे धीरे जो है सायंकालीन तक आपको मानसिक शांति मिलती रहेगी, स्वास्थ्य में कुछ स्वभाव में कुछ जो है चिड़चिड़ापन आ सकता है आपके स्वभाव में और वाहन के रख रखाव पर कुछ खर्चे भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, शिक्षा के कार्यों में कुछ व्यवधान भी आ सकता है, मन आपका आज प्रसन्न रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 2 सितंबर 2023 यानी कि शनिवार का दिन। तो जितने भी कर्क राशि के जातक हैं आत्म संयमित आज आपको रहना है,
व्यर्थ के क्रोध से आज आपको बचना है। शिक्षा के कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी में कार्य क्षेत्र में जो है बदलाव के योग आज आपके लिए बन रहे हैं। परिश्रम आज आपको अधिक करना पड़ेगा। मानसिक कठिनाइयां भी आज आ सकती हैं। धर्म के प्रति आज श्रद्धावान आप रहेंगे और किसी पुराने मित्र का आज आगमन आपके घर में हो सकता है। खान पान में अच्छे खान पान की तरफ आज आपकी रुचि बढ़ेगी। वस्त्र जो है उपहार के तौर पे आज आपको प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। खर्चों में कुछ वृद्धि होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिख रहा है। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 2 सितंबर 2023 यानी कि शनिवार का दिन। तो जितने भी सिंह राशि के जातक हैं, मन आज आपका प्रसन्न रहेगा। भवन सुख में भी वृद्धि होते हुए दिख रही है। परिवार का साथ मिलता हुआ दिख रहा है। घर परिवार में धार्मिक कार्य आज आपके होंगे। धैर्यशीलता में कमी जरूर आ सकती है। जीवन साथी को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। निराशा एवं असंतोष के भाव जो हैं, भाव से तनाव की स्थिति आपके लिए बन रही है। कार्य क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। मित्रों का संयोग आज मिलेगा। शिक्षा के कार्यों में सफलता आज आपको मिलते हुए दिख रही है। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 2 सितंबर 2023 शनिवार का दिन। तो जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, आत्मविश्वास से आप भरपूर रहेंगे। नौकरी में अवसरों का संयोग मिलेगा। तरक्की के मार्ग आज आपके लिए प्रशस्त होते हुए दिख रहे हैं। आय में भी आज आपकी वृद्धि होगी। भागदौड़ जो है आज कुछ बढ़ती हुई दिख रही है। अति उत्साही होने से आज जो है कन्या राशि के जातकों को बचना है। कला एवं संगीत के प्रति आज आपका रुझान बढ़ता हुआ दिख रहा है। नौकरी में बदलाव के योग आपके लिए बन रहे हैं और स्थान परिवर्तन भी आज हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता होगी और किसी प्रॉपर्टी में निवेश आज कर सकते हैं। भाइयों से आज कुछ मनमुटाव आपका हो सकता है। मनमुटाव की स्थिति आज बन रही है। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 2 सितंबर 2023 यानी कि शनिवार का दिन। तो जितने भी तुला राशि के जातक हैं, क्रोध की आज अधिकता रहेगी। पिता के स्वास्थ्य का आज ध्यान रखना होगा। किसी मित्र के संयोग से कारोबार में बदलाव हो सकता है। परिश्रम आज आपका अधिक रहेगा। आय में वृद्धि होते हुए दिख रही है। आत्म संयमित आज आपको रहना होगा। जीवन साथी का संयोग आज आपको परिपूर्ण रूप से मिलेगा। भौतिक सुखों में जो है वृद्धि होते हुए दिख रही है। परिवार के साथ यात्रा के लिए भी या किसी देशाटन के लिए भी के प्रति आज आप कुछ जा सकते हैं। कोई यात्रा पे जा सकते हैं, कहीं दूसरी जगह पे भी आज आपका जाना हो सकता है। रहन सहन थोड़ा सा कष्टमय रहेगा। नौकरी में जो है अवसरों से मतभेद आज आपके हो सकते हैं, इसलिए इस बात का आज आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2 सितंबर 2023 शनिवार का दिन कैसा रहेगा। तो जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं, आशा निराशा के भाव आज आपके मन में आ सकते हैं। वाणी में मधुरता आज जरूर रहेगी। किसी मित्र के संयोग से कारोबार के अवसर आपको मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होते हुए दिख रही है। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आशा निराशा के मिश्रित भाव आपके मन में रहेंगे। कारोबार में कठिनाइयां आ सकती हैं। भाई बहनों का संयोग आज आपको जरूर मिलेगा। लाभ के अवसर भाई बहनों के संयोग से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। संपत्ति में निवेश आज कर सकते हैं। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना है। संबंधों में भी आज मधुरता आएगी। अब बात करते हैं धनुराशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा धनुराशि के जातकों के लिए 2 सितंबर 2023 शनिवार का दिन। तो जितने भी धनुराशि के जातक हैं, मन में शांति एवं प्रसन्नता आपकी रहेगी। संतान सुख में भी वृद्धि के योग दिख रहे हैं। परिवार में सद्भाव का माहौल बना रहेगा। वाहन पर आज आप कुछ खर्च कर सकते हैं। मित्रों का संयोग भी आज आपको मिलेगा। खर्चों में वृद्धि के योग दिख रहे हैं और आत्मविश्वास से आज परिपूर्ण रहेंगे। स्वभाव में थोड़ा सा जिद्दीपन आज रहेगा। जीवन साथी से नोकझोंक भी हो सकती है। खान पान के प्रति थोड़ा सा सचेत आपको रहना है, क्योंकि आज जो है उदर विकार से पेटों के रोगों से पीड़ित हो सकते हो। किसी पुराने मित्र से आज आपकी भेंट होगी और आज थोड़ा सा संतान को कुछ कष्ट होता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 2 सितंबर 2023 शनिवार का दिन। तो जितने भी मकर राशि के जातक हैं, कला या संगीत के प्रति आज आपका रुझान बढ़ेगा। धर्म कर्म में थोड़ा सा व्यस्तता रहेगी। परिवार के साथ जो है किसी धार्मिक यात्रा पर धार्मिक स्थान पर आज आप जा सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का कुछ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मानसिक तनाव रहेगा। भाइयों से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। संतान सुख में वृद्धि के योग दिख रहे हैं।
मानसिक शांति बनी रहेगी, आत्मविश्वास में थोड़ा सा कमी आ सकती है, मित्रों का संयोग जरूर मिलेगा और मित्र के संयोग से जो है धन प्राप्ति के योग भी आज आपके लिए बन रहे हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 2 सितंबर 2023 यानी कि शनिवार का दिन। तो जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं आत्मविश्वास से भरपूर आज आप रहेंगे, मन आपका प्रसन्न रहेगा, कारोबार में कठिनाइयां आ सकती हैं, परिश्रम थोड़ा सा अत्यधिक करना पड़ेगा, परिवार का साथ आपको मिलता हुआ दिख रहा है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, खर्चे आज आपके अधिक रहेंगे और कार्य क्षेत्र में जो है विपरीत परिस्थितियों का सामना आज आपको करना पड़ सकता है। अधिक परिश्रम के बावजूद जो है सफलता आपको संदिग्ध दिख रही है, अधिक परिश्रम करने के बाद भी जो है परिश्रम करने के बाद भी सफलता कुछ कम ही आज आपको मिलेगी, परिश्रम आज आपके अत्यधिक रहेगा, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, लाभ की स्थिति में थोड़ा सा सुधार जरूर होगा, लंबी यात्रा पर भी आज आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं अंतिम राशि जो मीन राशि है, मीन राशि के जातकों के लिए 2 सितंबर 2023 का दिन यानी कि शनिवार का दिन कैसा रहेगा। तो जितने भी मीन राशि के जातक हैं पठन पाठन में आज आपकी रुचि बढ़ती हुई दिख रही है और शिक्षा के कार्यों में सुखद परिणाम आपको मिलते हुए दिख रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में दाम्पत्य सुख में वृद्धि होते हुए दिख रही है, संतान के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, किसी पुराने मित्र का आगमन आज आपके यहाँ हो सकता है, धैर्यशीलता में थोड़ा सा कमी आएगी, सेहत का रखें ध्यान, मन में जो है शांत एवं प्रसन्नता के भाव रहेंगे, माता का सानिध्य एवं संयोग आपको मिलता हुआ दिख रहा है, सुख सुविधाओं में आज आपकी वृद्धि के योग बन रहे हैं और किसी संपत्ति से जो है धनार्जन के साधन भी आपके लिए बन रहे हैं। तो मीन राशि के जातकों के लिए अच्छा आज का दिन होने वाला है। तो मेष राशि से लेके मीन राशि के जातकों के लिए 2 सितंबर 2023 शनिवार का दैनिक राशिफल और दैनिक पंचांग की जानकारी, शुभ अशुभ मुहूर्त की जानकारी आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको अवगत कराई। तो आज का यह कार्यक्रम आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं, वीडियो अच्छा लगा तो इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक मां भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माता दी।